आप लोगों के पास 3 से 4 मोबाइल, मतलब आप लोगों के घर में अगर 3 से 4 एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो आप लोगों की 4000 घंटे की टेंशन बिल्कुल खत्म होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। YouTube का न्यू मोनेटाइजेशन एल्गोरिदम चेंज हो चुका है और ये एल्गोरिदम इतना अच्छा आया है कि आप लोग इस वीडियो को देख के झूमने पे मजबूर हो जाओगे। झूम उठोगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मोनेटाइजेशन के बारे में। गाइस राधे राधे, जय कृष्ण। मैं हूँ निर्मला, निर्मला सिंह। माय फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा रखते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइस इतनी धमाकेदार वीडियो होने वाली है कि आज तक यूट्यूब में ऐसी वीडियो आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट का ओनली टाइम दीजिएगा और 5 मिनट में आप लोगों को इतनी सारी खुशियां मिलने वाली है मोनेटाइजेशन को लेके कि आप लोग झूमने पे मजबूर हो जाओगे। जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है, आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों का वॉच टाइम पूरा नहीं होता है, कोई नया क्रिएटर है और उसका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है और 1 साल हो गए हैं उसके चैनल को बनाए हुए, 1 साल से ज्यादा, जब 1 साल से ज्यादा चैनल बनाए हुए हो जाते हैं तो जो पुराना वॉच टाइम होता है वो कटने लगता है, जो नया वॉच टाइम होता है वो बचता है। तो कटता ज्यादा है और बचता कम है, क्योंकि अगर हमको एक दिन में 5 घंटे मिलेंगे तो कटता है जाके 10 घंटे, तो जो नया वॉच टाइम हमारा ऐड होता है वो हमको पता नहीं चलता और जो पुराना वॉच टाइम कटता है वो हमको पता चलता है, जिसके कारण हम लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा या नहीं होगा, हम अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें कैसे न कंप्लीट करें, बहुत दिक्कत परेशानी में पड़ जाते हैं। और इसी समय वो क्या करते हैं, एक अपने से बड़े क्रिएटर का सपोर्ट लेते हैं। और बड़े क्रिएटर क्या करते हैं, जो लोगों की थोड़ा थोड़ा वीडियो चल जाती है, जो लोग थोड़ा सक्सेस हो जाते हैं, चैनल मोनेटाइज हो गया और उनके वीडियो में 1-2 लाख व्यूज आने लगे, 50-60 हजार व्यूज आने लगे, उनका सब्सक्राइबर बेस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो गए, तो क्या करने लगते हैं, प्रमोशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, प्रमोशन करने लगते हैं। अब कोई कोई फ्री प्रमोशन करता है, कोई कोई पैसे में। तो इसी समय हम गलत बंदे के हाथ में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं और क्या करते हैं, वॉच टाइम अपना कंप्लीट करवाने के लिए उससे हम बात करते हैं। तो क्या करता है, पहले हमको अपना ऑडियो कॉल नंबर देता है, मतलब हम उससे ओनली बात ही कर सकते हैं। तो ऑडियो कॉल नंबर जब देता है तो उसमें हम उससे अपना थोड़ा थाड़ा दुखड़ा रोते हैं। तो फिर हमको क्या करता है, व्हाट्सएप नंबर देता है। अब व्हाट्सएप नंबर जब देता है तो क्या करता है, 2-5 मिनट की बात कराई, 5 मिनट अगर हम उससे कॉल पे बात किए तो लेता है 500 रुपए, अगर आधे घंटे बात किए तो लेता है 1000 रुपए, ऐसे करके वो क्या करता है, बात करने के ओनली हमसे पैसा लेता है। क्या करता है, अब देखो अभी तो ओनली बात करने का पैसा लिया, बात करने को ओनली पैसा लिया हमसे, अब पूछ रहा आप कितने दिन हो गए चैनल बनाते हुए, कैसे वीडियो अपलोड कर रहे हो, किस किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, कैसे वीडियो नहीं हो अपलोड कर रहे हो, ये सब कुछ, और कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए आपके चैनल बनाए, ऐसे ऐसे करके वो बात को खींचता रहता है, जिससे हमारा मिनट काफी, मतलब आधे से 15 से 20 या 25 या आधे घंटे पहुंच जाता है। तो मतलब बात करने में ही उसका 2 से 3, मतलब 1000 या 1500 रुपए बन गए। इसके बाद वो क्या करता है, हमारा चैनल मांगता है, हम अपने चैनल उसको दे देते हैं और क्या कहता है, मोनेटाइजेशन की मेरी फुल जिम्मेदारी। क्या करता है, मोनेटाइजेशन की मेरी फुल जिम्मेदारी। आज जो वो मोनेटाइजेशन के लिए हमारा चैनल ले गया तो ना वो उसमें वो हमसे बोल रहा कि तुम लॉन्ग वीडियो डालो, ना बोल रहा कि लाइव करो, तो हमारा चैनल मोनेटाइज कैसे करेगा, यहीं से पकड़ने वाली बात है। जो हम लोग प्रमोशन करवाते हैं, प्रमोशन करवा के अपने चैनल मोनेटाइज करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम अपना चैनल प्रमोशन के लिए दे दिए, मतलब हमारा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। अब वो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करेंगे, एक ही वाईफाई से तीन चार लैपटॉप ऑन करके हमारी जो लाइव होगी या वीडियो होगी, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो नहीं, शॉर्ट वीडियो में व्यूज चाहिए और लॉन्ग वीडियो, और मतलब लॉन्ग वीडियो या फिर लाइव का हमें वॉच टाइम चाहिए, तो क्या करते हैं जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है या फिर लाइव होती है, तो लोग क्या करते हैं हमारी लॉन्ग वीडियो या लाइव को एक ही वाईफाई से कनेक्ट करके कई सारे वीडियो कई सारे लैपटॉप ऑन कर देते हैं और हमारी वीडियो उस पे चला देते हैं। ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं हमारा 4000 घंटा पूरा करते हैं, और जब 4000 घंटा पूरा करते हैं तो फिर हमसे मतलब कितना लेते हैं पेमेंट, 5000, 6000, 7000, 8000 इतना वो ले गए। देखो तो कितना गया हमारा, मतलब 8-9 हजार गया हमारा वॉच टाइम कंप्लीट करवाने के लिए, और 15 से 1 हजार गया, मतलब 9 से 10 हजार रुपए हम अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए पैसे बेकार कर दिए। तो इससे अब ये बताइए, वो लोग एक ही वाईफाई से कई सारे कंप्यूटर ऑन करके और हमारा वॉच टाइम पूरा कर दिए, जब हम अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए तो क्या हुआ, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज करवाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, वो गांव-गांव जाके तो कहीं दूसरे वाईफाई से तो हमारा कनेक्ट नहीं किए होंगे, वो एक ही जगह है और एक ही वाईफाई से कई सारे कंप्यूटर ऑन करके, और यहीं पे जो लोग प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं बड़े क्रिएटर, वो लोग छोटे क्रिएटर क्या उल्लू बनाते हैं कि आप लोग अपने घर के दादा चाचा दादी मामी मामा, मतलब बड़ी मम्मी बड़े पापा जितने लोग हैं उन सारे लोगों के अगर वीडियो मोबाइल से अपने वीडियो देखोगे तो YouTube आपके वीडियो का लोकेशन अटैक करेगा। जब आपके वीडियो का आपका लोकेशन अटैक करेगा तो आपके उस लोकेशन एक ही मिलेगा तो वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप लोगों को मैं बहुत सटीक तरीका बता रही हूँ, आप लोग बड़े क्रिएटरों के चक्कर में मत पड़िए। बड़े क्रिएटर जो हैं छोटे क्रिएटरों को कभी उठना नहीं सिखाते, वो छोटे क्रिएटरों को गिराने में ही लगे रहते हैं। तो जब तक आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक आप लोग अपने घर के एक्स वाई जेड जितने भी आपके घर में मोबाइल हैं, बड़ी मम्मी का है, बड़े पापा का है, भैया का है, भाभी का है, आपका 2-3 मोबाइल है, और घर में दीदी का है, किसी का वो मोबाइल है, आप सबको चाहे लाइव में ऑन करके रख दीजिए चाहे वीडियो में, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक बिंदास होके आप अपने ये काम कर सकते हैं। आपको वॉच टाइम के लिए रोना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, और आपका वॉच टाइम भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लोग बोलते कि हमारा वॉच टाइम 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो गया, 15 दिन के अंदर, और 24 घंटे में, तो ये लोग क्या करते हैं, क्या किसी किसी की वीडियो चल जाती है, किसी किसी की नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं ऐसे ही करते हैं। अब मेन गलती हमारी क्या होती है, अगर हमारा जब तक मोनेटाइज नहीं तब तक हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर यही लालच लेके हम अगले मोनेटाइज के बाद अगर ये करेंगे कि अब चलिए अपनी वीडियो वॉच करते हैं जिससे हमारे वीडियो में व्यू जाएंगे, तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद जी वाली गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब आपके चैनल को बहुत कड़े तरीके से, बहुत सख्त तरीके से चेकिंग में करता है, बहुत मतलब 24 घंटे नजर में रखता है कि इससे कब गलती हो और कब हम इससे इसका चैनल इसके हाथों से छीन ले। तो जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक आप फ्री होके, टेंशन फ्री होके अपना वॉच टाइम अपने घर के मोबाइल से पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आप लोग ये मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, फिर कभी भी आप लोग यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर पाओगे। और जो लोग लाइव आते हैं, लाइव आके वॉच टाइम पूरा करते हैं, लॉन्ग वीडियो बना के वॉच टाइम पूरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अगर मैं सोचूं कि सिर्फ शॉर्ट वीडियो से ही अपना व्यूज से ही मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लूं, तो व्यूज से हमारा मतलब अगर हमारा वीडियो वायरल हो गया 2-10 मिलियन और 12 मिलियन पहुंच गया,
तो हमारा मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो में उतनी अर्निंग नहीं होती जितनी लॉन्ग वीडियो में होती है। और लॉन्ग वीडियो अगर हम बनाएंगे तो लॉन्ग वीडियो के साथ बहुत बेनिफिट है। लॉन्ग वीडियो बनाने से देखो वॉच टाइम भी, अगर व्यूज आ गया तो अगर हमारे 10 मिनट की लॉन्ग वीडियो में अगर 30 से 40 व्यूज भी आते तो हमारे 2 से 3 रुपए कहीं नहीं गए। 30 से 10 मिनट की वीडियो में 30 से 40 व्यूज अगर आते हैं, 2-3 रुपए मिलने ही मिलने। और उसके साथ जो आपको वॉच टाइम मिलेगा 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ लाइव करना बहुत जरूरी है। तो YouTube में जितने ऐप्स दिए हुए हैं, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट, ये सबको यूज करना चाहिए। यूट्यूब बोलता है अगर आप डेली नहीं चारों प्लेटफॉर्मों में कंटिन्यू रह सकते हैं तो आप मतलब हफ्ते में 1-2 पोस्ट तो डाल ही सकते हैं, हफ्ते में 8-10-60 वीडियो तो डाल ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेक्निकल का है तो दिन में आपको 1 से 2, और अगर 1-2 वीडियो नहीं तो कंटिन्यू आपको 1 वीडियो डालनी ही चाहिए। और लाइव अगर मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपको टाइम नहीं मिल रहा लाइव आने के लिए, तो आप हफ्ते में या 15 दिन में एक लाइव अनिवार्य है। अगर ये सारे प्लेटफॉर्मों पे आप काम करते जाओगे तो आपका बहुत जल्दी वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, आपका चैनल जहाँ पे अनफ्रीज है अनफ्रीज हो जाएगा, वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, वीडियो में व्यूज भी आने लगेंगे, सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहा, सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा, अब आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। तो जब चारों प्लेटफॉर्मों पे आप लोग कंटिन्यू बराबर काम करोगे तो आपकी अर्निंग भी होगी। तो अगर आप लोग का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज होने के लिए जो मैंने आपसे बताया कि आपके घर में जितने भी चैनल सॉरी जितने भी मोबाइल है, सारे मोबाइलों से आप लोग अपना लाइव हो या फिर वीडियो हो ऑन करके रख दीजिए। कमेंट्स लाइव में है, कमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आपका मोबाइल ऑन है तो आपका उसका जितना वॉच टाइम होगा फुल वॉच टाइम आपको मिलने वाला है। और जब भी आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, चैनल आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइज मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलते अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय कृष्ण, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, अपने अपने काम पे व्यस्त रहिए।